आज लोकमत की टीम के साथ एक बेहद ही खास मेहमान है जिन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीता था और हाल फिलहाल आपने उन्हें रानी मुखर्जी के साथ बड़े पर्दे पे देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ हर्ष मायर की। Make a change, a small change in life of a person like this Chotu. Puri hui dil ki wo farmaishen, mangi dua ek tujh tak ja pahunchi parwardigara. Excuse me, ye five star hotel hoga kya aas paas? Nahi ji, kya ho gaya? चाय पीना था भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज़.in। आपके साथ मैं हूं भारती द्विवेदी। तो आइए आज आपको रूबरू कराते हैं हर्ष मायर से। हर्ष नमस्ते, थैंक यू। आप एक्टिंग के अलावा और क्या कर रहे हैं अभी, पढ़ाई में या किसी और फील्ड में, वो पहले हमें बताएं। अभी तो फिलहाल एक्टिंग ही कर रहा हूँ और पढ़ाई मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा हूँ, डिस्टेंस स्टडीज, और बाकी मैं शौक रखता हूँ थोड़ा गाने का, सिंगिंग का, रैपिंग का, थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ और कुछ नहीं। और अभी नया नया फितूर मुझे थोड़ा सा लिखने का चढ़ा है तो लिख भी लेता हूँ कुछ कुछ। आपने बहुत कम उम्र में एक्टिंग शुरू की थी, 5-6 साल की उम्र से आप थिएटर कर रहे हैं। आपकी फैमिली में शायद कोई इस फील्ड से नहीं है, ये ख्याल कैसे आया कि आपको एक्टिंग करनी है? ये मैं वैसे हर जगह बताता हूँ लेकिन ऐसा है कि मैं एक्टिंग नहीं जानता था क्या होती है, तो मेरे मामा जी ने मुझे स्पॉट किया था कि भाई ये कर सकता है एक्टिंग और इसको डालना चाहिए। तो मैं कई साल तक तो सिर्फ वर्कशॉप्स ही लेता रहा। ललित पोखरिया जी करके मेरे टीचर थे, BNA से हैं वो, भारत नाट्य अकेडमी जो लखनऊ में, तो वहाँ से उन्होंने मुझे वर्कशॉप्स दी। फिर उसके बाद मैं ग्रुप्स के साथ काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया था और साइमल्टेनियसली मैं ऑडिशंस देता रहता था चीज़ों के, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, इन सब के। तो बस ऐसे ही। जब आप थिएटर कर रहे थे और उस टाइम आपकी उम्र बहुत कम थी और मैंने कहीं पढ़ा कि आपने सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग सब कुछ मिला के 180 ऑडिशन दिए थे और रिजेक्शन भी झेले, तो इतनी छोटी उम्र में क्या इतनी समझ थी कि आप रिजेक्शन मतलब क्या होता है, उसको हैंडल कैसे करना, ये कैसे किया? मतलब मैं रिजेक्शन मानता ही नहीं था क्योंकि मेरे घर में मुझे हमेशा सिखाया जाता था कि भाई रिजेक्शन कुछ होता ही नहीं है, कि मैं सिर्फ फ़न के लिए कर रहा था और मुझे उस चीज़ में जो काम करने मज़ा आता है वहाँ पे मैं कंपटीशन समझ के काम करता ही नहीं हूँ। लोगों ने मुझे बहुत बोला इन चीज़ों के लिए कि यार नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत फ्यूचर सही नहीं होता है, हर कोई नहीं बन पाता है। मैंने बोला यार ट्राई करने में क्या जा रहा है, मैं बस अपना लगा रहा, अपना काम करता था और मैंने कभी किसी से सलाह नहीं ली, इसलिए तो बस ऐसा ही था। इतनी सारी सक्सेस आपने कैसे हैंडल की, मतलब सक्सेस को समझने के लिए आप बहुत छोटे थे उस टाइम। यही सबसे अच्छी बात थी कि मुझे पता नहीं था कि सक्सेस होती क्या है, मैं बस इन्जॉय कर रहा था जो हो रहा है। और मैंने हमेशा यही सीखा है कि इन्जॉय करना चाहिए लाइफ को, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं होता, आज है कल नहीं है। मैंने ऐसा भी टाइम देखा कि जब चीज़ें नहीं थी और जब लोगों ने मुझे धीरे धीरे पहचानना कम कर लिया। आप बेसिकली दिल्ली से हैं, अभी आप पिछले 2 साल से मुंबई में हैं, दोनों शहर में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे रहना ज़्यादा मुश्किल है? बट ऑब्वियस सी बात है, मुंबई में रहना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि दिल्ली में तो मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरा ख़ानदान है, परिवार है, सब कुछ यहीं पे है, क्योंकि जो भी लोग हैं मेरे वो कहीं दूर ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो मुंबई में मैं मेरा कोई दोस्त नहीं है वहाँ था जब मैं यहाँ से गया था, फैमिली नहीं थी साथ में, तो जो भी चीज़ें थी वहाँ पर वो मतलब मुझे खुद ही करनी थी, तो वो शहर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पर एक बार जब आप जम जाओ तो मैंने ये सबको ही बोलता हूँ कि मुंबई बहुत प्यार देता है अपने अपने तरीके से। आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, बहुत छोटे थे उस टाइम, आपसे किस एंकर ने पूछा था कि फेवरेट चीज़ क्या है, आपने अपने दोस्तों का नाम लिया था, क्या अभी प्रायोरिटी वही है या चेंज हो गई है? यार दोस्त तो सबकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ होते हैं, मैं कभी दोस्तों को मतलब मेरे दोस्त जो हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके अंदर जो बाहर आना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं या जो लोगों के बीच जाना चाहते हैं पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो यही है, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे वो ज़िंदगी भर। आपकी हाल ही में एक फिल्म आई थी हिचकी, जिसमें आप रानी मुखर्जी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे,
सेट की कोई ऐसी वाक्या है जो आपको याद हो और आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, मैं एक किस्सा हमेशा सबके सामने बोलता हूँ कि एक बार जब मैं शूटिंग से घर जा रहा था तो घर से शूटिंग जा रहा था तो गलती से ऐसा हुआ था कि मैं एयरफोन लगा के रखता हूँ, मुझे पता नहीं था, और मैं गलती से ना बम्बई की ट्रेन है, मैंने नया स्टार्ट करा था जाना, तो मैं लोकल ट्रेन में किसी हैंडीकैप डिब्बे में चढ़ गया था, तो मुझे वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था, और उसके बाद सबको सेट पे पता लगा था कि मुझे पुलिस में पकड़ लिया, तो वायरएफ से ही लोग छुड़वाने भी आए थे मुझे, वहाँ पे बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया था। और जब मैं जब सेट पे पहुँचा तो हर इंसान को स्पॉट दादा से लेके डायरेक्टर साहब से लेके रानी मैम से लेके सबको किससे पता चल गया था कि क्या क्या हुआ आज पूरे दिन में, और ये एक एक्टर लेट आया सेट पे इस वजह से, और सब बुरी तरीके से हंस रहे थे, तो वो एक किस्सा मुझे बड़ा याद आता है। कहते हैं कि नेगेटिव रोल जो निभाता है अगर उसकी एक्टिंग को देख के लोग उसे गालियाँ दें तो वो तारीफ होती है। आपने हिचकी में एक तरीके से आपका नेगेटिव रोल ही था, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था उस रोल के लिए आपको? मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो मैं दो बातें बोलूँगा कि वो जो आतिश का करेक्टर था उसमें एक शेड थी, जो एक ग्रे शेड थी, नेगेटिव तो आप नहीं कह सकते क्योंकि वो ऐसा था, और वो जब उसका इमोशनल साइड दिखती है लोगों को तो पता लगता है कि वो बहुत ही प्योर हार्टेड बंदा है और ऐसा है इंसान है, उसके साथ हो रहा है, वो ऐसा बन गया है पर उसको हालातों ने ऐसा कर दिया है। तो जब मैं एक दिन जब फिल्म रिलीज़ हुई थी, फर्स्ट डे की बात है, तो मैं फिल्म देखने गया था जुहू, मैं बैठा था और एकदम से एक वो सीन आता है जो बड़ा डिफ़िकल्ट सीन था मेरे लिए एज एन एक्टर करने के लिए, ध्रुव तारा वाला सीन जहाँ पे मैं रानी मैम को ध्रुव तारा बोलता हूँ, और वो सीन चल रहा है और जैसे ही वो सीन ख़त्म होता है पूरे थिएटर ने तालियां बजानी शुरू कर दी, एंड आई वाज लाइक लिटरली शिवरिंग, और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है। और दूसरा, मुझे आमिर सर ने मिलने के लिए भी बुलाया था हिचकी देखने के बाद, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने मुझे बोला था कि उनको फिल्म देख के रोना भी आया और उन्हें मेरा काम भी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी बातें हुई मेरी उनसे। अगर हर्ष को चुनना पड़े कि आर्ट मूवी या कमर्शियल, हर्ष क्या करना पसंद करेंगे? कभी एक खूबसूरत इंसान को अगर एक आम बंदा स्क्रीन पे देखेगा तो कहेगा यार काश मैं ऐसा होता, पर अगर वो मेरे ऐसे ऑर्डिनरी बंदे को देखेगा बड़ी फिल्म में तो कहेगा यार ये तो मैं ही हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग मुझे आके मिलते हैं, बोलते यार तूने तो हमें पोर्ट्रे कर दिया, या हम तेरे ऐसा फील करते हैं, या हम ऐसा ही बोलते हैं, या हम ऐसे ही थे, या वो मुझे बहुत इंस्पायर्ड करता है। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि हिचकी जैसी फिल्म देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि अब ऐसी फिल्मों को भी अहमियत मिल रही है इंडस्ट्री में और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड की किसी एक हीरोइन का नाम बताइए जिनके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं एज अ हीरो। यार मतलब ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी, मतलब मैं हीरो तो खुद को कभी मानते नहीं, मुझे पता नहीं कभी हीरो वीरो का तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं कंगना रनौत के साथ एक बार, क्योंकि वो बहुत ही धमाकेदार एक्टर है, तो उनके साथ एक काम करने का, मतलब ऐसा नहीं है कि हीरो हीरोइन भी, कैसे भी परफॉर्मेंस मिलेगी कुछ करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उनको देख के काम करते हुए। हर्ष की नज़र से देखें तो बॉलीवुड की किस फिल्म का रीमेक बनना चाहिए और बतौर लीड आप उसमें काम करना चाहें? मुझे डर एक बार, मुझे मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि शाहरुख सर ने बहुत 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 अच्छा काम किया और मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स फिल्म है। एक डर और दूसरी सदमा, एक बार करना चाहता हूँ मैं। हर्ष फिलहाल आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब अगली फिल्म आपकी क्या कौन सी हो सकती है? हिचकी के बाद मैंने अभी एक फिल्म ख़त्म की है, अभी मैं ख़त्म करके ही दिल्ली आया हूँ, कॉल्ड दैट टेनेंट, उसमें शमिता शेट्टी जी लीड हैं, शुश्रु जैन करके एक डायरेक्टर हैं, वो बाहर से हैं, एनआरआई हैं, तो उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की और एली बेस्ड एक प्रोडक्शन है, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, तो इट्स एन इंटरनेशनल फिल्म बेसिकली, उसमें मैं एक फिर दोबारा से एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहा हूँ, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म का। लोकमत न्यूज़ से बात करने के लिए हर्ष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आई एम कलाम के छोटे कलाम हर्ष मायर, जो कि अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। देश दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप ऐसे ही लोकमत के साथ जुड़े रहिए। हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है।